नमस्कार दोस्तों, आईटीआई में डीजे में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सेफ्टी के ऊपर मल्टी चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, पार्ट 1। उसी कड़ी में हम आज उसका दूसरा पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार किस अंग पर होना चाहिए? तो दोस्तों जब वर्कशॉप में हम कोई भारी सामान उठाते हैं तो जो हमारा शरीर का अधिकतर भार है वो पैरों पे होना चाहिए। पैरों के बल हमें भारी सामान को उठाना चाहिए। अपने घुटने मोड़ के पहले हमें थोड़ा सा सामान को ऊपर उठाना चाहिए, फिर हमें पैर सीधे कर लेने चाहिए। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है पैरों पर। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार पैरों पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर से गुजरने वाली धार का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। मतलब कि हमारे शरीर में से बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाए कितनी एम्पियर तक की धारा प्रवाहित हो सकती है? तो इसका आंसर क्या है, 1 मिली एम्पियर से कम धारा से हमारे शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जो निम्नलिखित पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो लाइन वोल्टेज रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें झटका लगेगा या नहीं लगेगा। जितना ज़्यादा लाइन वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा हमें झटका जोर का लगेगा। तो इसका आंसर क्या है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी हानियाँ जो व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? ऑप्शन ए क्या है, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ख हृदय गति रुकना तथा मृत्यु, ग श्वास में रुकावट एवं बेहोशी, घ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ या ओपन सर्किट। तो दोस्तों जब हमारा परिपथ में लूज कनेक्शन रहता है तब स्पार्क हमारा उत्पन्न होता है। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है लूज कनेक्शन। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण लूज कनेक्शन या ढीला कनेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कलर होता है? तो दोस्तों जो सूचनात्मक होता है इन्फॉर्मेटिव साइन, उसका बैकग्राउंड हमेशा हरा रहता है। तो इसका आंसर गए, सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड हरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सूचनात्मक चिन्ह का पृष्ठभूमि किस रंग की एवं आकार कैसा होता है? दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड हरा रहता है और इसका जो आकार रहता है वो वर्गाकार रहता है। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है गए, हरे एवं वर्गाकार। सूचनात्मक चिन्ह का पृष्ठभूमि हरे रंग का तथा आकार वर्गाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि लाल रंग का प्रयोग निषेधात्मक चिन्हों में होता है। तो दिए गए प्रश्न का हमारा आंसर रहेगा क है, निषेधात्मक चिन्ह में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग होता है? तो धूम्रपान निषेध एक निषेधात्मक चिन्ह है जिसके लिए हम वृत्तीय आकृति का प्रयोग करते हैं। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है वृत्तीय। धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए हम वृत्तीय या गोलाकार आकृति का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में हमारा वियर हेड सुरक्षा एक आवश्यक चिन्ह है। मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पे हमें अपने कानों की सुरक्षा के लिए वियर हेड सुरक्षा उपकरण पहनना है। उसका आंसर है वियर हेड सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक निषेध शब्द का उपयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है के धूम्रपान में खुली ज्वाला, के आग से न बुझाए, गए पदयात्री पर
नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। तो दोस्तों दिए गए आंसर हमारा जो कह खे गए सब निषेधात्मक चिन्ह है, जबकि खे एक आवश्यक चिन्ह है, नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। तो इसका आंसर है घ, नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक शब्द उपयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है क, पैर सुरक्षा का उपयोग करें, ख पैदल पार, घ श्वसन सुरक्षा पहने, घ हाथ धोए। तो दोस्तों जो ख है हमारा वो एक इंफॉर्मेटिव साइन है, इसलिए इसका आंसर है ख, पैदल पार। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? तो दोस्तों जो भी कहीं भी हमारे खतरा रहता है तो उसके लिए हम चेतावनी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे दिए गए ऑप्शन में आंसर है गए, चेतावनी चिन्ह। 415 वोल्ट का खतरा चेतावनी चिन्ह को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? तो दोस्तों घावों को भरने के लिए हम जानते हैं कि बीटासीन ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो दिए गए आंसर में हमारा उत्तर रहेगा गए, ऑप्शन बीटासीन। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में बीटासीन की ट्यूब होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया के निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं सिलवेस्टर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है, उसके बाद उसको कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया कराई जाती है। तो दिया गया हमारा ऑप्शन है क्या, सिलवेस्टर विधि। विद्युत झटके के पश्चात सिलवेस्टर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार इंडस्ट्रियल सुरक्षा नहीं है? ऑप्शन एक है मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि तीनों ऑप्शन ऊपर वाले वो सब हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आते हैं, लेकिन घर सड़क सुरक्षा हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी में नहीं आता। तो दिया गया ऑप्शन हमारा घर सही है। क्वेश्चन नंबर 16। एलपीजी गैस के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। जो सो हम जानते हैं कि जो फ्लेमेबल गैसें रहती हैं वो सब क्लास सी की श्रेणी में आती हैं। तो एलपीजी गैस के लिए आग की श्रेणी हमारी श्रेणी सी की आग रहेगी। तो हमारा आंसर है ख, श्रेणी सी की आग। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। चित्र में चेतावनी चिन्ह दर्शाए गए हैं, कौन सा संकेत खतरे की संभावना को दर्शाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा पहला चिन्ह है क है वह खतरे की संभावना को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दिया गया हमारा ऑप्शन में आंसर रहेगा क है। क्वेश्चन नंबर 18। स्वर्ण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह चित्र में प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों स्वर्ण सुरक्षा मतलब कानों की सुरक्षा के लिए हमें कौन सा ईयर मफ यूज करना पड़ेगा, ईयर प्लग यूज करना पड़ेगा। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है ईयर प्लग का उपयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे अल्कोहल पेय पिलाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, चलने को कहना चाहिए, और या गए ऑप्शन उसे गर्म रखना चाहिए? तो दोस्तों जब किसी श्रमिक को या किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाता है तो हमें उसे गर्म रखना चाहिए और ढक कर रखना चाहिए। तो इसका आंसर है घे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यदि आग लगने का कारण पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल या बिजली की तारे हो तो किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों हम जानते हैं कि बिजली या तेल की फायर के लिए CO2 या DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है गए, CO2 या DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने
वैल्यूबल सुझाव मुझे कृपा कमेंट में लिखिए। थैंक यू दोस्तों।